maybe they saw negativity. Maybe they don't know how else to conduct themselves, how else to judge somebody or a situation. उनको शायद नहीं पता किसी ने अगर दिल दुखाया होता है, कुछ किया होता है, तो आई थिंक के यू नेवर नो कि इन्होंने झूठ क्यों बोला, इनके अंदर क्या है. कोई अगर मेरे साथ कॉम्पिटिशन लगाने की कोशिश करता है, सो आई थिंक डोंट नो मे बी एट वट पॉइंट डिड आई और डिड एनी वन मेक दम फील इनसिक्योर अबाउट दम सेल्वस, इज देर एनी थिंग दैट दे थिंक इज रॉन्ग विद दैम. सो आई अंडरस्टैंड एंड आई एम्पथाइज विद आर्टिस्ट बिकॉज सो मैनी वर्स, जैसे मैंने कहा, हम एक जॉब के लिए काम कर रहे हैं और सब हर कोई हमें एक तरह ट्रीट कर रहा है और हर कोई हमें कह रहा है आपका कॉम्पिटिशन है. और मैं अभी अपने एक दोस्त से बात करी थी, हु इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एंड आई टोल्ड हिम, यू नो, इफ वी ऑल वर क्लोज एंड फ्रेंड्स, वो जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना किसी से, हु कम्प्लीटली अंडरस्टैंड्स वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है. एंड देन यू नो, जब मैं हूँ, एक ऐसा नहीं है कि सभी नहीं करते मिंगल और या बुरे, आई एम नॉट सेइंग कोई बुरा है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बट दे ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन लाइव्स. बट मेरे साथ ऐसी भी लड़कियां हैं जो यू नो वो एक्टर्स एंड दे वेरी नाइस एंड वी हैव अ गुड बॉन्ड एंड वी चिल. मैं रात को यशमा के घर पर थी, यू नो, सो वी हैव दैट. एंड एंड और जब हम बात करते हैं ना आपस में, तो हम दोनों को समझ भी आती है हम क्या कह रहे हैं. और जब हम एक दूसरे को बकअप करते हैं ना कि नहीं नहीं तेरा प्रोजेक्ट फिट होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे करना है, यू नो दैट, वो एक बहुत डिफरेंट एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको एक को एक्टर से, एक कॉलीग से. सो किसी को जज नहीं करना चाहिए, यू नेवर नो व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू, बट या एक बिटर रियलिटी है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई डोंट थिंक मेरे अंदर ये है कि मैं किसी को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकूँ या इतना बड़ा दिल कर सकूँ, बट आपने अगर ये अपने आप को मेंटली स्टेज पे आप ले आई हैं, तो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. आई अगर आप फिर सोचे ना उसी थॉट पे कि जिंदगी इतनी सी है और जिंदगी आसान हो गई आपके लिए ना, आपके लिए आसान, मतलब यू बिकम लिटिल बिट ऑफ बेपरवाह. या लाइक आई केयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स लाइक ठीक है, इंसान ही अगला भी, यू नो, हम इतनी गलतियां करते हैं और अल्लाह मियां हमारी गलतियों में पर्दे भी डाल देते हैं कुछ पे जिनका किसी को पता नहीं चलता. हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले. सो अगर आप इस तरह सोचें तो आप कहते हैं यार चलो जाने, कोई नहीं जाने तो, हाँ, अगली दफा सही मिलेंगे. आर यू वेरी क्लोज, आर यू स्टिल वेरी क्लोज टू योर मॉम? अच्छा, आप कैसी हैं, वो वाली हैं जो बहुत जाके अम्मा को गले लगाएंगी और बैठ के बस गप्पे लगाएंगी, नहीं नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, और यू नो वो खाने के साथ साथ वो, और यू द वन जो यू विल लव हर, यू विल गेट हर टू शॉप, लेकिन थोड़ा सा हाँ ठीक है ओके फोन पे, यू नो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं. आई एम, किस तरह की बेटी? आई एम एवरी थिंग, ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स, ऑल टाइप्स ऑफ डॉटर्स. आई एम लाइक दैट. एंड मैं शोगल भी लगाती हूँ बहुत ज़्यादा, चीखें भी मारती हूँ और जोक्स भी सुनाती हूँ और हम मचोर अडल्ट बातें भी करते हैं. हमारा रिलेशनशिप बहुत एक दोस्तों वाला रहा है और शुरू से मैं जो भी गलतियाँ भी करती थी ना, माई मॉम ऑलवेज यूज़ टू से आई एम योर फ्रेंड, टेल मी एवरीथिंग. तो मैं कुछ गलती भी करके आती थी ना, तो मैं उनको बता देती थी कि मैंने ये कर दिया है. सो इसलिए आई थिंक शी ऑल्सो पुट दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन मी when I came into the industry, कि ये कर लेगी, थोड़ा सा उस तरह है, ये संभाल लेगी. And I was also a little mature, so for my age, तो उनको ये यकीन था. But yeah, you know, जैसे आप कहते ना कि पहले हम बात करते कि छोटी एज में एंड एवरी थिंग, सो आई थिंक तब से आई ऑल्सो रियलाइज दैट बिकॉज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस टू बी द मैन ऑफ द हाउस. सो एट फर्स्ट ना मैं गुम गई थी as a person, I didn't find myself immediately. मैं थोड़ी सी गुम गई थी in terms of के मैं डूब गई थी काम में, अच्छा पैसे कमाने हैं, अच्छा दोस्तियाँ हो रही हैं, like you get distracted when you're 20 years old, and so हाँ दोस्त भी बन गए, ये भी हो गया, पैसे भी आए, so I got distracted. So I became वो अबू नहीं होते जो सिर्फ पैसे कमा के घर लाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो सिर्फ काम की वो बन गई थी, अम्बी के लिए वो बन गई थी. एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैव bigger shoes to fill. I have to be a sister, a father for my sister, and I have to be a daughter and a friend for my mother. That's true. So I had to earn as well and also give them those emotions that were missing in the beginning. So now I balance it out. I'm like, हाँ आपको क्या चाहिए, अच्छा तुम्हें एडवाइस भी चाहिए. सो यू नो बैलेंस इट आउट कि हाँ दुखरे भी रोल है, लेकिन अच्छा वो फलानी गाड़ी का टाइम, वो मतलब वो भी करना है. सो आई बिकेम अ बिट ऑफ अ मल्टीटास्कर. बट ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली है, मुझे लगता है जब जो फैमिली सेपरेट होती हैं
तो जो जो भी कॉम्बिनेशन हो चाहे फादर के साथ हो, या ये आपने बहुत सही बात बोली है कि उस वक्त मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं एज अ डॉटर ऑल्सो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़रा ज़्यादा बढ़ गई कि द सपोर्ट दैट योर मदर नीडेड एट दैट टाइम वो आपको देनी थी. एंड आई एम सो ग्लैड टू हेयर के बिकॉज आई थिंक प्रोसेस बड़ा नेचुरल है आपका, जो आपने बोला कि यू वर लाइक नहीं मुझे तो कमाना है, वो होता ही है ना, आप समझते हैं स्ट्रांग है स्ट्रेंथ वहीं से पैसे से, बट कभी कभी स्ट्रेंथ उस इमोशनल कनेक्शन में चाहिए होती है जो. तो यू स्टिल कॉल हर अभी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से जाने से पहले दुआ, क्योंकि यू यूज्ड टू डू दैट मेरे लिए दुआ करें एवरी फ्लाइट एज वेल. लिस्ट है लोगों की, अम्मी बहन और बेस्ट फ्रेंड ओके इज़ा तीनों को कॉल करती हूँ. मैं फ्लाइट पे बैठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ. सो दीज पीपल आर माई सपोर्ट सिस्टम, आई वॉन्ट देम टू बी देयर फॉर मी. एंड आई बिलीव कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होगा या मैं कुछ गलत कर रही होंगी ना जिंदगी में, दीज पीपल विल डेफिनेटली टेल मी. सो जब तक ये मुझे नहीं कह रहे ना तो मैं ठीक हूँ. जिस दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया हानी तुम पागल हो रही हो, तो उस दिन मैं कहूंगी कुछ मसला है मेरे साथ. कभी तो आया होगा बहन का फोन बीच में एक दफा तो आएगा हानिया. नहीं बहन का नहीं आया. फिर किसका? इज़ा का आया? इज़ा का भी नहीं. इज़ा का नहीं. इज़ा को जाके कभी जब बताती हूँ ना वो पर्सनल इशू होते हैं. हाँ मैंने उसको इतना ये बोल दिया और मतलब वो वाली बातें होती हैं कि या एनीवे. बट इज़ा पे बात लाएंगे. हाँ इज़ा पे बात. इज़ा आपको भी हेलो इज़ा. मुझे क्यों घसीट लिया बीच में? हाँ इज़ा इज़ अ सेलिब्रिटी इन हर ओन नाउ ना. ऑफ कोर्स शी सिट्स एनीवेयर एंड पीपल आर लुकिंग एट हर एंड शी लाइक हनिया आई डोंट साइन अप फॉर दिस, आई वाज जस्ट योर फ्रेंड, ओके व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. सो शी डज ऑल ऑफ दैट. ओके सो आपकी अम्मी का जो शादी का जोड़ा है, That's जी. your prized possession. Yes. So, इतनी emotional type हैं आप, और वही सोचा है वही पहनेंगी शादी पे या क्या, या बस वो करीब है दिल के? वो करीब है दिल के. कोशिश करूंगी पहन लूं किसी एक इवेंट में तो घुसा दूंगी. है किस तरह का वो गरारा है, लहंगा है, क्या है और किस कलर कुछ? लहंगा है रेड और ग्रीन कलर का, a lot of gold calm on it. Wow. And it's very pretty. Yeah. And I just pata nahi mujhe pehen ke kaisa lagega, because meri ammi ne jab pehna tha to wo bahut khoobsurat laga. Aap pe bhi bahut pyara lagega. Meri ammi bahut pyari lagti hai. Meri ammi bahut pyari hai. To un pe acha bahut laga tha. So pata nahi, but yeah, ek khwahish hai ke unko pata hai is baat ka, ये सारी बात जो हम ही कर रहे हैं. मैंने जबरदस्ती रखवाया नहीं देंगी, नहीं करेंगी. एक दफा कहती मुझे कमीज बना दो, नहीं कोई नहीं हाथ लगाएगा इसको. वो दुपट्टे की कमीज बन जाती है और उसका भी. हाँ तो वो कॉन्वर्सेशन हुई भी हमारी, तो मैंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इजी हो जाए. हाउ एम्पावरिंग इट इज कि इतनी यंग एज पे खुद को और फैमिली को फाइनेंस करना और ये करना कि हाँ मैं तो किसी के एहसान के नीचे नहीं हूँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, वो फीलिंग क्या होती है? और पहले ये कर देते हैं फिर दूसरा सवाल पूछूंगी इसी का पार्ट बी. पहले तो आई थिंक थोड़ा पागल हो जाते हैं हल्का सा. ऑफ कोर्स यू आर यंग, यू आर अर्निंग योरसेल्फ, यू आर इन. ये दिमाग पे चढ़ जाता है? दिमाग पे नहीं चढ़ता. आई नेवर स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कुछ हूँ. नहीं इन द सेंस ये नहीं ये नहीं, बट वो एक मैं सोचती हूँ कि वो एक empowerment की feeling आती है. बिल्कुल, I can do anything. I can exactly. Yeah, I can do anything. I can be anything. Yeah. Of course, so I went through that as well, where I felt very, very, very empowered and very strong. And but that's I think good. The only thing at that time that would bring me down was if anyone complained about the way I was, my personality. Okay. You know, and that's what would sometimes make me think that I. क्या हो रहा है, क्या कुछ गलत है, but that's it, but that's how it was शुरू. okay. नहीं but empowering कैसा था, क्या feeling आती थी, क्या process था, उसको कैसे digest किया, जब पहली बार कुछ मिला तो उसको पैसे कैसे spend करने हैं और किसके अच्छा, लिए क्या लिया, वो खुशी क्या थी? मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें होती हैं. बिल्कुल, जो पहला check या पहले पैसे थे जो पहली फिल्म के थे जानवर के उड़ा दिए.